मैं मनीषा नरेश सिंह, मेरा आईडी नंबर है SG83465। मैं आदेश मास्टर शेफ में बनाने वाली हूँ। कच्चे केले के समोसे बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा, बॉईल किए हुए कच्चे केले, घी, बॉईल किए हुए मटर, पिसी हुई हरी मिर्च, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और अजवाइन। समोसे को हम इमली के चटनी के साथ खा सकते हैं, इसलिए हमें चाहिए इमली की चटनी। तो चटनी के लिए मैंने लिया है पिसी हुई इमली और गुड़। इमली और गुड़ को पानी में उबाल लेंगे और उसमें थोड़ी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इस मिक्सचर को अच्छे से उबाल के थोड़ा ठीक होने तक उबाल देंगे। चटनी रेडी। चलो समोसा बनाने के लिए आटा गूंदेंगे। आटे में नमक, अजवाइन और मोहन के लिए 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे। अब हमारा आटा गूंद के रेडी है, इसे हम साइड में रखेंगे और अब स्टफिंग के लिए बॉईल किए हुए कच्चे केले स्मैश कर लेंगे। तो अब हम स्मैश किए हुए केले को मैंने राई जीरे का तड़का लगाया है, इसमें मैं डालने जा रही हूँ नमक स्वादानुसार, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर। अब हम सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो समोसा रैपिंग के लिए हम अब रोटी बनाएंगे। रोटी को ओवल शेप में बनाएंगे और उसे आधे में काट लेंगे। किए हुए एक हिस्से को हम हाथ में इस तरह पकड़ेंगे और इसमें समोसे का स्टफिंग भरेंगे। इस तरह से हमने बाकी के समोसे बना लिए और अब हम इनको तलने जा रहे हैं। हमारे समोसे तल कर रेडी है, अब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। समोसे खाने के लिए रेडी है, इसे इमली के चटनी के साथ सर्व करेंगे।